गर्मियों के दिन में आइसक्रीम खाना किसे नहीं अच्छा लगता, और उस पर अगर आपको चॉकलेट आइसक्रीम, मैंगो आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम, ऊपर से पान आइसक्रीम, यहाँ पे ये वनीला आइसक्रीम और ओरियो आइसक्रीम, 6 रेसिपी आपको एक ही वीडियो में वो भी बहुत इजी तरीके से मिले, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, उससे मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आइसक्रीम का बेस बनाने के लिए 1 कप मैंने यहाँ पे अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है। इसे मैंने आधे घंटा के लिए फ्रीजर में रखा था, तो इसे निकाल के इस बर्तन में डाल देती हूँ मैं। इसके बाद क्या करेंगे कि एक बर्तन में थोड़े से आइस क्यूब्स डालेंगे, इसके ऊपर ये क्रीम वाला बोल रखें और इसके बाद हैंड मिक्सर से हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए लो स्पीड पे हम इसे व्हिप कर लेंगे। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस 10 मिनट के लिए ऐसे लो स्पीड पे इसे व्हिप कर ले। ये जो क्रीम है वो पहले से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा बेस जो है वो आइसक्रीम का रेडी हो चुका है। सेम बेस हम सारे आइसक्रीम में यूज़ करने वाले हैं। तब हम चलते हैं पहले आइसक्रीम बनाने में, जिसमें हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए 1 कप मैंने पका हुआ आम लिया है। हम एक ब्लेंडिंग जार लेंगे और उसमें ये आम के टुकड़े जो है वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पे अल्फांसो आम यूज़ किया है, आप कोई भी मीठा आम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जार का ढक्कन बंद करें और बिना पानी के हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो क्रीम को हमने पहले से व्हिप करके रखा है और ये हमारा मैंगो का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। तो इस आम के पेस्ट को हम इस क्रीम में डाल देंगे और इसके बाद मिठास के लिए हम इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3/4 कप के करीब, यानी 200 ग्राम के करीब कंडेंस मिल्क डालती हूँ मैं। मैंने यहाँ पे स्वीट वाला कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। इसके बाद हम इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। कंडेंस मिल्क की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप चाहें तो कंडेंस मिल्क का प्रोसेस वहाँ से देख सकते हैं, अगर आपको रेडीमेड नहीं यूज़ करना है तो। तो ये हमारा मैंगो आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे डब्बे में भरेंगे और फ्रीजर में रख देंगे। बहुत ईजी है बनाना, आम का सीजन चल ही रहा है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे एक एयरटाइट टिफिन बॉक्स या फिर ऐसे प्लास्टिक के बर्तन में रख देंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे कि थोड़े से आम के चंक्स डाल दें, उससे आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा जब आप इसे खाएंगे तो। तो यहाँ पे मैंने थोड़े चंक्स डाल दिए। जार का ढक्कन बंद करें और इसे फ्रीजर में 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ दें। 12 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीजर से निकाला और ये हमारा मैंगो आइसक्रीम जो है वो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए मैं इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ और यहाँ पे ये देखिए आइसक्रीम को ज़्यादा ही सेट हो गया है। तो ये हमारा मैंगो आइसक्रीम रेडी है। आप देख सकते हैं आइसक्रीम का टेक्सचर एकदम ही परफेक्ट है, एकदम दुकान जैसा, दुकान से भी अच्छा इनफैक्ट, और होममेड है तो बात ही कुछ अलग है। तो आप इस इजी और टेस्टी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। बटर स्कॉच आइसक्रीम घर पे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में 1/4 कप चीनी डाल देंगे और चीनी को हम लो फ्लेम पे पिघला लेंगे। इसे पिघलाने के लिए आप पानी या दूध किसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें, बस ऐसे ही लो फ्लेम पे पिघल जाने दें। हमें एक कैरमल क्रंच बनाना है, जिसे आप काजू की चिक्की भी कह सकते हैं। तो लो फ्लेम पे चीनी को अच्छे से पिघल जाने दें, तब तक आप इंतज़ार करें। चीनी को पिघलने में आपको 10 से 15 मिनट आराम से लगेंगे। मैं ये प्रोसेस डिटेल में दिखा रही हूँ ताकि जब आप ये बनाएं तो आपका ख़राब ना हो सामान। तो यहाँ पे ये देखिए चीनी जो है वो ऑलमोस्ट पिघल गया है। तब हम इसमें बटर और काजू डाल देंगे। तो आधी छोटी चम्मच बटर और 1/4 कप तोड़ा हुआ काजू या फिर क्रश किया हुआ, ये देखिए डाल दें और इसके बाद इसे मिला दें। इसे मिलाने के बाद गैस को तुरंत हम ऑफ कर देंगे। इसके बाद इस मिक्सचर को हम थाली में स्प्रेड कर देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर थाली को मैंने पहले से घी से ग्रीस करके रखा है, इसमें ये मिक्सचर डाल दें और उसके बाद इसे अच्छे से स्प्रेड कर दे। जैसे हम चिक्की जमाते हैं ना वैसे ही इसे बनाना है। बस इसे हल्के हाथों ऐसे स्प्रेड कर दे और इसे ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दे। उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे ही ये सेट हो जाएगा अच्छे से, आराम से थाली से निकल जाएगा। इसके बाद आप चाहे तो इसे तोड़ ले या फिर मिक्सर में ग्राइंड कर ले। मैं यहाँ पर अदरक कूटने वाला इसे क्रश कर लेती हूँ ताकि इसके छोटे बड़े चंक्स रहे, तो जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे क्रश कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारा बटर स्कॉच का जो कैरमल है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो क्रीम हमने पहले से व्हिप करके रखा है, इसमें हम 1/2 कप ये कंडेंस मिल्क डालेंगे। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे वनीला एसेंस या फिर बटर स्कॉच एसेंस डाल दें। इसके बाद हम इसे एक बार मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, क्रीम को हमने पहले से व्हिप करके रखा है। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया आइसक्रीम का। मार्केट जैसा कलर देने के लिए आप चाहे तो येलो फूड कलर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 पिंच फूड कलर डाला मैंने, फूड कलर इसमें ऑप्शनल है। इसके बाद इसे अच्छे से मिला दें। तो ये हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ये कैरमल जो हमने बना के रखा है वो डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप क्रीम के लिए 1/2 कप कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, क्योंकि ये कैरमल जो है वो बहुत मीठा रहता है, इस वजह से कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कम करें। तो यहाँ पे इसे एक बार अच्छे से मिला दें। तो ये हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे एयरटाइट बॉक्स में डाल देंगे और उसके बाद फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। तो यहाँ पे कैरमल जो है वो सारा नीचे से ऐसे डाल दें
और लास्ट में हम क्या करेंगे कि थोड़े से ऐसे ये कैरमल स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। तो बस ये हमारा आइसक्रीम जो है वो रेडी हो गया है सेट होने के लिए। तो ढक्कन बंद करके और इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। 12 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला और ये हमारा आइसक्रीम सेट हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो इसका भी टेक्सचर चेक कर लेते हैं और ये देखिए क्रीमी एकदम बहुत ही स्मूथ बहुत ही अच्छी आइसक्रीम जमी है, ये आप देख सकते हैं। तो आपने देखा कि बटर स्कॉच आइसक्रीम घर पर बनाना कितना आसान है और इसका टेस्ट अमेजिंग आता है। तो आप इस बटर स्कॉच की आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करें। चॉकलेट आइसक्रीम घर पे बनाने के लिए एक बर्तन में हम आधा कप दूध गर्म करेंगे। दूध के गर्म होते ही एक चौथाई कप चीनी डाल दें, मिला दें इसे। हमें चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है दूध में। तो गैस का फ्लेम लो रखें और चीनी को पिघल जाने दें। जैसे ही चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर चीनी पिघल गई है, गैस को बंद कर देती हूँ। और इसके बाद एक तिहाई कप हम इसमें कोकोआ पाउडर डाल देंगे। हमें इसमें चॉकलेट सिरप पहले बनाना है, तो कोकोआ पाउडर को अच्छे से मिला दें ताकि इसमें लम्स नहीं रहे। तो ये हमारा चॉकलेट सिरप जो है वो रेडी हो चुका है, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। अच्छे से मिक्स करें। तो हम इसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद क्रीम में मिक्स कर देंगे। तो क्रीम को हमने व्हिप करके रखा है। एक कप क्रीम के लिए 3/4 कप कंडेंस मिल्क यूज़ करें। तो यहाँ पे ये कंडेंस मिल्क डाल दिया मैंने। इन दोनों को हम अच्छे से मिला देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कप क्रीम को पहले से व्हिप करके रखा था, उसमें 3/4 कप ये कंडेंस मिल्क डाला। अब हम इसमें ये चॉकलेट सिरप डाल देंगे जो हमने अभी बनाया। आप चाहे तो फ्रेश क्रीम को लार्ज क्वांटिटी में व्हिप कर ले और उसके बाद ये सारे अलग अलग फ्लेवर डाल के आप बहुत सारे आइसक्रीम एक बार में बना सकते हैं। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दें और ये हमारा चॉकलेट का कलर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो लास्ट में हम इसमें थोड़े से चॉको चिप्स मिला देंगे, उससे आइसक्रीम का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये चॉको चिप्स डालने के बाद एक बार मिला देते हैं इसे। तो ये हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे और उसके बाद फ्रिज में सेट कर लेंगे, फ्रिज नहीं फ्रीज़र में। तो यहाँ पे इसे डाला मैंने। चॉकलेट आइसक्रीम तो हर किसी का फेवरेट होता है, लेकिन जब आप उसे घर पे बनाएंगे तो ये वाली आइसक्रीम आपको मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो थोड़े से ये चिप्स मैंने इसके ऊपर डाल दिया। बॉक्स का ढक्कन बंद करके इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दे। 12 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला और ये हमारा आइसक्रीम आप देख सकते हो बहुत ही टेम्पटिंग बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। तब इसका टेक्सचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसक्रीम का टेक्सचर एकदम परफेक्ट आया है, ये देखिए। तो ये हमारा चॉकलेट आइसक्रीम रेडी हो चुका है। आप चाहे तो सर्व करने के पहले थोड़ा सा चॉकलेट सिरप इसके ऊपर डाल सकते हैं। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए एक कप मैंने यहाँ पे फ्रेश क्रीम को व्हिप कर लिया है। इसमें हम 200 ग्राम यानी 3/4 कप ये कंडेंस मिल्क डाल देंगे। फ्रेश क्रीम को व्हिप करने का तरीका वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया है। सारे क्रीम को पहले वैसे ही व्हिप कर ले, उसके बाद ये सारा प्रोसेस करें। तो एक बड़ा चम्मच यहाँ पे वनीला एसेंस डाल देंगे। वनीला आइसक्रीम बनाना बहुत आसान है, बस क्रीम को व्हिप करें, कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस डालें और इसके बाद मिला के आप इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दें। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, इसे मैं एयरटाइट बॉक्स में डाल देती हूँ। तो आपने देखा कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस इस मिक्सचर को इसमें डाल के और 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें सेट होने के लिए। तो इसमें कुछ भी मेहनत नहीं है, इसे बंद किया मैंने और ले चलते हुए इसे फ्रीज़र में रखने के प्रोसेस में। 12 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला और ये हमारा आइसक्रीम आप देख सकते हैं अच्छे से सेट हुआ है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने से पहले एक बार टेक्सचर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जमा है। तो है ना इसे बनाना बहुत आसान। तो ये हमारी सबसे आसान और टेस्टी वनीला आइसक्रीम रेडी हो चुका है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 8 ओरियो के बिस्किट लिए हैं। आप चाहे तो इसका क्रीम निकाल दें, मैं क्रीम के साथ ही इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। तो मिक्सर में इसे डाल दें और इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो मिक्सर को आप चाहे तो डायरेक्ट चलाएं या फिर ऐसे रोक रोक के चलाएं, उससे ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये हमारा ओरियो बिस्किट का पाउडर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे क्रीम में मिला देंगे। तो एक कप फ्रेश क्रीम मैंने पहले से व्हिप करके रखा है, इसमें ये ओरियो का पाउडर डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें 3/4 कप कंडेंस मिल्क डाल देंगे। तो यहाँ पे 3/4 कप यानी 200 ग्राम के करीब कंडेंस मिल्क डाल दें और इसके बाद हम इसे हैंड मिक्सर से ऐसे बीट कर लेंगे। मिक्सर की जो स्पीड है वो लो पे रखें और इसे अच्छे से मिला दें। जैसे ही बिस्किट ऐसे क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ये हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे मिला लिया। तो ये हमारा ओरियो आइसक्रीम का मिक्सर रेडी हो चुका है। अब हम इसे एयर टाइट ऐसे बॉक्स में डाल देंगे बाकी आइसक्रीम की तरह। तो है ना इसे भी बनाना आसान, बस बिस्किट का पाउडर बनाइए, क्रीम और कंडेंस मिल्क मिला के आप इसे सेट कर दें। थोड़ा सा बिस्किट ऐसे इसके ऊपर डाल देती हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगे जब हम इसे सर्व करेंगे। तो
अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें सेट होने के लिए। 12 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला और ये हमारा ओरियो आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है। तो इसे सर्व कर लेते हैं। तो आपने देखा, इसे बनाना बहुत आसान है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो आप इस ओरियो आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करिए, आपके बच्चे आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है और इसका टेक्सचर एकदम मार्केट से भी अच्छा है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ इसमें, और ये हमारा मज़ेदार सुपर टेस्टी ओरियो आइसक्रीम रेडी हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। पान आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 रेडीमेड पान लिए हैं। आप चाहे तो गुलकंद और पान के पत्ते अलग से लें। मैंने यहाँ पे ये दुकान से बनवा के लाई हूँ ताकि शॉर्टकट में हम पान आइसक्रीम बना सकें और ये सस्ता भी पड़ता है। तो यहाँ पे ये दो पान को ऐसे मिक्सचर में ब्लेंड कर लेंगे हम, पानी वगैरह नहीं ऐड करेंगे। बहुत ईजी है इसे बनाना, बस रेडीमेड दो पान लेके आए, उसे ब्लेंड कर लें और उसके बाद क्रीम और कंडेंस मिल्क के साथ मिला के हम इसे सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा पान का पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे क्रीम मैंने व्हिप करके रखा है, इसमें हम 3/4 कप ये कंडेंस मिल्क डाल देंगे। 1 कप फ्रेश क्रीम के लिए 3/4 कप कंडेंस मिल्क यूज़ करें। इसे मिला देंगे अच्छे से। तो मैंने आज की सारी रेसिपी में 1 कप क्रीम को पहले व्हिप कर लिया है, जिसका प्रोसेस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया, उसके बाद बाकी का प्रोसेस ऐसे किया है। तो अब हम इसमें ये पान का मिक्सचर डाल देते हैं और इसके बाद वापस इसे एक बार हैंड मिक्सर से मिला देते हैं ताकि पान जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसको कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें ग्रीन कलर नहीं ऐड कर रही हूँ। तो ये हमारा आइसक्रीम जो है वो रेडी हो चुका है सेट होने के लिए। तो इसे हम एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे जैसे हमने बाकी आइसक्रीम को रखा, और यहाँ पे ये थोड़ा सा बेस में डाल देती हूँ मैं। और ये हमारा पान आइसक्रीम रेडी हो गया सेट होने के लिए। तो जार का ढक्कन बंद करें और इसे 10 से 12 घंटे के लिए रख दें फ्रीज़र में सेट होने के लिए। 12 घंटे बाद मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला और ये हमारा पान आइसक्रीम जो है वो रेडी हो चुका है। तब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए, आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है और पान के फ्लेवर से इस आइसक्रीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस रिफ्रेशिंग पान आइसक्रीम की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आज की हमारी सारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, जहाँ पे हमने चॉकलेट, मैंगो, ये बटर स्कॉच, यहाँ पे ये पान आइसक्रीम, इसके अलावा ये वनीला आइसक्रीम और सुपर टेस्टी ओरियो आइसक्रीम बनाया। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें।